मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको फर्स्ट सेकंड सिक्स पोयम, फर्स्ट सेकंड सिक्स पोयम चतकता के एक पोयम का आपको पोयम और बहुत पूरे हंड्रेड को याद रखना जरूरी है। अगर एक दिन याद रह गए 40 मार्क्स आपके जेल में पक्का पैकेज आता है, पैकेज आता है, गारंटी के साथ मिल जाए। अब ये पढ़ाई करता है, ये भी पक्का आपका साथ है दोस्तों, मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई बैठक करेंगे आपको हम उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा आगे। अब मेरे पास आपको थोड़ा सा पॉइंट आ गया है, अभी तो लर्निंग पॉइंट क्या है, अब याद मेरे पास क्या करना, रिवाइज करना, फिर रिवाइज कैसा करते सर, फिर ऐसा ये पक्का करे YouTube पे देखे से एक बार डाल यही सेटअप सब अब ये साहब जो निकाल रहा है YouTube पे डाल रहा है सर, समाचार का हमारे बात की उसके बाद ही आ रहा था पूरे रात में पूरे वीडियो पूरे बात है समाचार में बात की बस आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रिसेट करना होता है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल समद है, गुज़िश्ता में कई सालों से ये क्लासेस कंडक्ट करते आ रहा हूँ। यहाँ पर हमारे बच्चों में ये तेलुगु सब्जेक्ट्स को लेके बहुत सारे डाउट्स सवाल और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीसी सिलेबस बन गया, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस हैंडल करना कैसा और उसके आंसर्स कैसा लिखना है और ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आते हैं, लेटर राइटिंग्स में कैसे आते हैं और एसेस पूछ रहे, कन्वर्सेशन पूछ रहे, ये सारी चीज़ें कैसे करना, ये सारी चीज़ों को हमने उन बच्चों के प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए ये क्लासेस यहाँ पर स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन वाले ये प्रोग्राम्स लगा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें कम से कम 200-300 बच्चे यहाँ पर ये प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वालों को अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ बोल के मैं समझता हूँ। और रही दूसरी बात, आने वाले दिनों में जब ये इंटरमीडिएट में पहुँचेंगे तो आने वाले दिनों में भी इनको तेलुगु सब्जेक्ट कंपलसरी किया गया है, तो इंशाल्लाह हम इन सारे बच्चों से अलावा से भी ये वादा करेंगे तो आने वाले छुट्टियों में स्पोकन तेलुगु के क्लासेस भी हम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो लोकेशन पे एक वहाँ पर स्पोकन तेलुगु के क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हैदराबाद से में पूरे यूनिवर्सिटी के पूरे कम से कम 45,000 स्टूडेंट्स एग्जाम्स लिख रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में कम से कम 200-300 बच्चे तो यहाँ पर आराम से अटेंड कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा फायदा हमारा होगा। हर संडे होते हैं, हाँ इंशाल्लाह आने वाले 13 तारीख के दिन भी बॉयज़ के लिए एक सेक्शन सईद विला फंक्शनल में है और उसके आगे भी इंशाल्लाह 18 तारीख के दिन भी एक प्रोग्राम है और एक हुसैन शाहवली दरगाह वहाँ पर भी एक क्लास ऐसे ही चलते रहते हैं। अब यहाँ पर एक खोल के नहीं, जहीराबाद में भी मेरी क्लास है और ऐसे अलग अलग जगह मुख्तलिफ जगहों पर एक क्लासेस चलते हुए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी अच्छी अच्छा सा अच्छा फ़ायदा हमारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया। आई आयशा सिद्दीकोफ, क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ स्प्रिंगफील्ड स्कूल। सो As we all know that today we all have gathered here for Telugu classes, how to learn Telugu and how to write in exam, how to prepare for
for our exam. So on behalf of my Springfield school, today we all, I would like to say some feedback regarding Samad sir. See, Samad sir, the way he teach, first of all I would like to say, the way he teach is very super duper excellent, and Telugu classes are very helpful and understanding. So when we were unaware of Samad sir, just we thought of getting passing marks, that to 18, not more than that. So, but since from the day Samad sir joined the school, we were so happy and excited that, oh, we are getting something to learn. And we have learned a lot by excellent formula, RQ formula, it's not visible. Recite, revise and recall. We have learned so many poems, bhavam, 8 marks answers, 12 marks answer through basic knowledge. And alhamdulillah, we are able to do our best, and we are at the best by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Thank you, sir. May God bless you.